दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त हो निकला हत्यारा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का दोस्त ही निकला। पैसे देखकर उसकी नीयत बिगड़ी और मौत के घाट उतार दिया। नरेश सिंह चौहान पिता बालाराम 58 वर्ष ग्राम खैरी सिलगैना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बेटा अनिकेत उम्र 22 साल खेत की धान देखने आया था, जहां पर किसी ने हत्या कर दी। शाहगंज थाना पुलिस ने आरोपी भूरा उर्फ राजकुमार पिता मनशाराम चौहान 25 साल निवासी ग्राम मछवाई से पूछताछ की। उसने बताया कि 25 सितंबर को भारतीय स्टेट बैंक डोबी के एटीएम से मृतक दोस्त अनिकेत चौहान ने लगभग 1 लाख रुपये मेरे सामने निकाले थे। इतने रुपये देखकर मेरी नीयत खराब हो गई और लालच में मैंने दोस्त अनिकेत को मौका मिलते ही सुनसान जगह देखकर अपने पास में रखे दातरे से बेरहमी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। आरोपी भूरा से पूछताछ पर उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार, कपड़े एवं 99,000 रुपयों को उसके घर से जबत कर गिरफ्तार कर न्यायालय बुधनी में पेश किया गया, जहां से हत्यारे दोस्त को जेल भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचके न्यूज, सीहोर। दिनांक 25/9 को पुलिस थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि खैरी सिलगैना का के तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पे एक व्यक्ति है, अज्ञात व्यक्ति, जिसकी एक बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस ने जब घटनास्थल पर पहुंचकर तस्दीक की तो पाया कि जो मृत व्यक्ति है उसका नाम अनिकेत चौहान है और ग्राम खैरी सिलगैना का रहने वाला है। और शाम को ही वो अपने खेत से जब घर की तरफ जा रहा था तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी मृत्यु कर दी, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। जब तस्दीक की गई तो पाया गया कि जो मृतक है अनिकेत चौहान बहुत ही सरल सहज स्वभाव का व्यक्ति था, जो अपने काम से काम रखता था और पिछले कुछ समय में मेहनत करके उसने आर्थिक रूप से काफी प्रगति कर ली थी। और जो हमारा आरोपी है भूरा उर्फ राजकुमार, ये रिश्ते में उसके जीजाजी का भाई लगता है और ये पैसे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पूर्व में भी इसके द्वारा मारपीट की और चोरी की घटनाएं की गई हैं और इसका मोटिव हमेशा रहता था कि जल्दी से पैसे कमाना चाहता था, वो मेहनत करने में उसका ज्यादा विश्वास नहीं था। घटना दिनांक 25 को अनिकेत, मृतक अनिकेत और आरोपी राजकुमार दोनों ही एटीएम से पैसे निकालने के लिए गए थे। आरोपी ने जब एक साथ 1 लाख रुपए कैश अनिकेत के पास देखा तभी से उसकी नियत घटना को अंजाम देने की हो गई थी। और शाम को खेत से निकलने के बाद जब आरोपी राजकुमार ने अनिकेत को अकेला पाया तो मौका देखकर उसने उसके पास जो दराता हथियार था उससे वार करके उसकी अकेले में मृत्यु कर दी। और घटना के बाद आरोपी ने जो पहने हुए कपड़े थे वो धोके छुपा दिए थे, साथ ही जो घटना के लिए हथियार उपयोग किया गया था वो भी छुपा दिया था, जिसे पुलिस ने विधिवत जब्त कर लिया गया है। साथ ही घटना के दौरान जो पैसे लूटे गए थे 1 लाख रुपए वो भी पुलिस ने आरोपी घर से विधिवत जब्त कर लिए हैं, जिनको रख लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके पूरी कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के समक्ष सब अग्रणी अवस्था घटना जो है, जो खेत जहां बॉडी मिली थी वहां से 10 फीट दूर हुई थी। बॉडी को छुपाने की नियत से चूंकि आरोपी अकेला था तब उसने बॉडी को खिसकाया वहां से। खिसकाने के दौरान उसका आरोपी मृतक का जो लोअर है और उसकी जो अंडरवेयर है वो, और जल्दबाजी में उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसी अवस्था में बॉडी को छोड़ दिया।